Hey, hi everyone, this is Mayank Kotharia, and today we are going to revise the entire chapter of the Keynesian theory. Okay, the Keynesian theory was the second unit of the first chapter. First chapter ka naam tha Determination of National Income. Uske do part the National Income Accounting aur the Keynesian theory. Aapko iska bhi revision video mil jayega National Income Accounting ka. Make sure ki aap pehle wo dekhe, uske baad mein the Keynesian theory, yani ki is wale video ko यूज करें. सो व्हाट वेर द थिंग्स. अच्छा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमने कुछ मिला के छह चीजें देखी थी, अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा. पहला वाला जो पार्ट था, फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, उसके बाद यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट. जहां तक मुझे याद है इसमें कुछ सात चीजें थी, इसमें आठ चीजें थी, तीन तरह के सॉरी 11 तरह के कॉन्सेप्ट थे, तीन तरह की मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया थी, और इसमें कुछ पाँच छः से सात पॉइंट थे, और लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ द नेशनल इनकम कंपटीशन, ये चीज़ हमने देखी थी. चलो कोई नहीं, ये पुराना वाला पार्ट हो गया, हम केन्जियन थेरी पर फोकस करते हैं. हमने टोटल मिला के कितनी चीज़ें देखनी है सर? सात चीज़ें देखनी है, और ये आठवां वाला टॉपिक है जो अभी हम देख रहे हैं, यानी कि समरी और रिविजन ऑफ द एंटायर चैप्टर. इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. द केन्जियन थेरी बेसिकली किस चीज़ के बारे में बोलती है? द केन्जियन थेरी ये बोलती है कि हम दो चीज़ें देखेंगे इसमें, फैक्टर्स जो पता लगाते हैं लेवल क्या है नेशनल इनकम का, और उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे, यानी कि पता लगाएंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आता है एग्रीगेट इनकम एंड आउटपुट का. इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो मैच करता है. सो आने वाले जितने भी मॉडल्स है उसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो फैक्टर्स क्या है और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है. ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स, इन्होंने इनकी ये थेरी है, इन्हीं ने ये थेरी बेसिकली प्रपोज की, और वही चीज़ हमने अभी तक सारे वीडियोस में देखा. तीन मॉडल है, टोटल मिला के तीन मॉडल है. चार फैक्टर होते हैं ये पूरे इकोनॉमी में. पहला फैक्टर हाउस होल्ड, दूसरा बिजनेस, तीसरा गवर्नमेंट एंड चौथा फॉरेन सेक्टर. अगर इकोनॉमी में अगर आप सिर्फ इतना पकड़ो, अज्यूम करो कि हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर ही होते हैं, तो ये मॉडल आपका बनता है टू सेक्टर मॉडल. अगर इसके बाद आप उसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड कर दो, वो बनता है थ्री सेक्टर मॉडल. उसके बाद अगर आप उसमें फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड कर दो, तो वो बनेगा आपका फोर सेक्टर मॉडल. ऐसे मिला के टोटल आपको सिर्फ तीन मॉडल देखने हैं पूरे के पूरे चैप्टर में, टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल एंड फोर सेक्टर मॉडल. जो टू सेक्टर मॉडल है वो क्या बोलता है? टू सेक्टर मॉडल ये चीज़ बोलता है कि पूरे की पूरी इकोनॉमी में सिर्फ दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर होते हैं, वो एक तो हो गया आपका बिजनेस वाले लोग हो गए, दूसरे हाउस होल्ड वाले. यानी कि अजम्पशन ये है कि सिर्फ दो लोग हैं, अजम्पशन ये है कि गवर्नमेंट नहीं है, अजम्पशन ये है कि फॉरेन सेक्टर भी नहीं है. बहुत सारे अजम्पशन है टू सेक्टर मॉडल के. आइए देखते हैं एक एक करके क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करेंगे. बट इन सब के पहले टू सेक्टर मॉडल का एक सर्कुलर फ्लो देखते हैं. मतलब पूरे इकोनॉमी में पूरा, मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको कंज्यूम कौन करता है, कितना प्रोडक्शन होता है, कितना इनकम होता है, कितना हाउस होल्ड वालों के पास जाता है, ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल सी बात है. अगर आप दो सेक्टर पकड़े खाली, सॉरी दो फैक्टर पकड़े, ये होते हैं बिजनेस वाले, ये होते हैं हाउस होल्ड वाले. हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं? यहां पे इनको सर्विस देते हैं, इसके बदले में बिजनेस वाले इनको पेमेंट करते हैं. ये पेमेंट, ये सर्विस, फैक्टर सर्विस बोलते हैं इसको, और ये फैक्टर पेमेंट बोलते हैं. ठीक है, जब हाउस होल्ड वालों को पेमेंट मिलता है तो ये लोग यहां पर ही सारा का सारा खर्चा करते हैं, इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसके बदले में प्रोडक्शन जितना भी हुआ बिजनेस द्वारा वो ये ले लेते. यानी कि आप देख रहे हो फैक्टर सर्विस इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू कंजम्पशन इज इक्वल टू प्रोडक्शन. ठीक है, तो आपकी कुछ चीजें मैच कर जाएगी. मैं आपको डायरेक्टली पहले यहां पे लेके आता हूं. देखो, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू हाउस होल्ड की इनकम शुड बी इक्वल टू हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर एंड शुड बी इक्वल टू द टोटल रिसिप्ट ऑफ द फर्म एंड दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट. मैं अगर फिर से आपको डायग्राम बताऊं तो कुछ इस तरह से डायग्राम थी, बिजनेस वाले, हाउस होल्ड वाले, ये हो गई फैक्टर सर्विस, ये हो गई फैक्टर पेमेंट, ये हो गया आपका हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर अगर इन्हीं के टर्म में बात करें, और ये हो गया आउटपुट. तो ये सारी चीज़ें सेम है, क्योंकि जितना भी बनाया गया ये सारा का सारा इन्होंने ही कंज्यूम किया है, जितने भी खर्चा हुआ है सारा का सारा बिजनेस वालों के पास आया है, बिजनेस वाले के पास जितना भी इनकम हुई उससे प्रोडक्शन होता है वो इनके पास जाता है सारा. ठीक है, अजम्पशंस क्या थे टू सेक्टर मॉडल के ये हम देखते हैं. टोटल मिला के आठ अजम्पशंस थे. पहला अजम्पशन अगर आपको याद होगा तो ये था कि भैया सिर्फ दो ही लोग होते हैं, फैक्टर्स जो इकोनॉमी में हैं दो ही होते हैं, हाउस होल्ड वाले और फर्म वाले. दूसरा था कि भैया हाउस होल्ड वाले सारा का सारा प्रोडक्शन जो है बिजनेस वालों का वो कंज्यूम करते हैं. हाउस होल्ड ओन्स ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दे सेल देयर फैक्टर सर्विसेज टू अर्न फैक्टर इनकम. सिंपल सी बात है, ये सब छोड़ो, मैं अगर हाउस होल्ड हूँ तो मैं सारी की सारी सर्विसेज बिजनेस वालों को दूंगा और उसके बदले में जितना भी पैसा आ रहा है सारा मेरे पास आएगा. फैक्टर बिजनेस वाले क्या करेंगे? सारा का सारा प्रोडक्शन हाउस होल्ड वालों को ही बेचेंगे. मतलब इन्हीं की सर्विस, इन्हीं की मदद लेके वो
गुड्स बनाए जा रहे हैं और इन्हीं को ही बेचे जा रहे हैं। आइए बात आपके समझ में। तीसरा अजम्पशन ये बोलता है कि हाउस होल्ड वाले सेविंग नहीं करते, दे डू नॉट सेव। चौथा अजम्पशन ये है कि बिजनेस वाले भी सेव नहीं करते, देर आर नो रिटेन्ड अर्निंग्स। ना बिजनेस वाले सेव कर रहे हैं, ना हाउस होल्ड वाले सेव कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट देखो, जितनी भी टोटल इनकम है बिजनेस वालों की, ये किनकी है? हाउस होल्ड वालों की एक्रू करती है। मतलब अगर इन्होंने कुछ कमाया है बिजनेस वालों ने, तो ये फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर पेमेंट के थ्रू इन लोगों को बांट देते। ये लोग जितना भी कमाते हैं ये पूरा का पूरा खर्चा कर देते हैं बिजनेस वालों पे। छठवां पॉइंट, सारी की सारी प्राइसेस है ये कॉन्स्टेंट रहेंगी, नो इन्फ्लेशन, नो टेक्नोलॉजी का चेंज, नथिंग विल चेंज। कैपिटल भी चेंज नहीं होएगा, क्या टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होएगी, इन्फ्लेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सो प्राइसेस विल रिमेन सेम। सातवां पॉइंट क्या बोलता है कि दो अजम्पशन और, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता, गवर्नमेंट सेक्टर डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब हमारे देश ऐसा है जहां पे गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट नहीं तो टैक्सेस भी नहीं हुए। फॉरेन सेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता, फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब ना ही हम एक्सपोर्ट करते हैं ना ही हम इंपोर्ट करते हैं। ये सातवां अजम्पशन। अच्छा, पहला अजम्पशन था कि सिर्फ सेक्टर में, पूरे इकोनॉमी में दो ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और बिजनेस। उसी का अगर अपोजिट करोगे तो पूरे इकोनॉमी में दो सेक्टर नहीं होते, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड। तो पहला और सातवां एग्जैक्टली अपोजिट है। और आठवां अगर आप पॉइंट बोलोगे तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आउटले ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस है मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनकम, मतलब इनकम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये दो सेक्शन हो गए। ये आपने सर्कुलर फ्लो भी देख लिया कि फर्म्स हाउस होल्ड वाले इधर सर्विसेज देते हैं, सॉरी यहाँ से लेता हूँ, हाउस होल्ड वाले इधर सर्विसेज देते हैं उसके बदले में पेमेंट लेते हैं, ये पेमेंट कंज्यूम्पशन के लिए खर्चा करते हैं उसके बदले में गुड्स लेते हैं। ठीक है, गुड इनफ। तो हमारा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कवर हो गया, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन टू सेक्टर मॉडल, ये देखते हैं। अब हम एक्चुअल में फंक्शन देखेंगे। अब आप अगर समझोगे, अच्छा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन वाले पॉइंट पे मूव ऑन करने के पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्कस करता हूँ मैं आपके सामने। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम यानी कि समान, ठीक है, समांतर, मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है हमें कब बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल और छोटा सा एग्जांपल। अगर मैं कंज्यूमर हूँ, मैं हाउस होल्ड वाला हूँ, और मैं अगर 2 किलो शक्कर की डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरे को 2 किलो शक्कर चाहिए, और बिना इनको पता लगे, मतलब बिजनेस वालों को नहीं पता ये कि इनकी डिमांड कितनी है, लेकिन बिजनेस वालों ने भी अपना पूरा फोरकास्टिंग किया, एस्टिमेट लगाया कि कितना होगा, और इन्होंने भी 2 ही किलो शक्कर प्रोड्यूस की, मतलब जितना भी आउटपुट है इज इक्वल टू द डिमांड, जितना भी सप्लाई हो रहा है 2 किलो शक्कर का ये डिमांड के बराबर है। 2 किलो शक्कर एग्रीगेट सप्लाई, 2 किलो डिमांड जो हो रही है एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है दैट मींस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। ध्यान देना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब खरीदने वाले 2 किलो शक्कर जो खरीदने वाले हैं ये जितना डिमांड कर रहे हैं उतना ही अगर मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा है या सप्लाई हो रहा है तब हम बोलेंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, इसका मतलब अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है तो हम ये बोलेंगे कि सर एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एक दो पॉइंट हो गए। अब एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की बात बताता हूँ। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको लिए थे और मैंने बोला था कि डिस्कस करो कि हम जितना भी खर्चा करते हैं, मेरे पास अगर मयंक कोठारी के पास में अगर कुछ इनकम आई है, इनकम को हमने क्या नाम दिया था, वाई, तो मयंक कोठारी 2 चीज़ों के लिए ये इनकम को यूज़ करेगा। एक तो सबसे पहले मैं कंजम्पशन करूँगा, कंजम्पशन यानी कि सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, इसके बाद मेरे जूते चप्पल लग्जरियस आइटम कार लैपटॉप एंड सो ऑन। ठीक है, कंजम्पशन वाला पार्ट। लेकिन अगर मयंक कोठारी ने 100 रुपये कमाए हैं, ध्यान देना मैंने क्या बोला, मयंक कोठारी ने 100 रुपये कमाए, तो क्या आपको लगता है मयंक कोठारी 100 का 100 रुपये पूरा कंजम्पशन में डाल देगा, खर्चा कर देगा, हर महीने 100 रुपये कमाएगा और हर महीने सब उड़ा देगा उसको? ना, मयंक कोठारी 100 रुपये कमाएगा तो मयंक कोठारी तकरीबन उसमें से सिर्फ 80 रुपये खर्चा करेगा, 20 रुपये सेव करके रखा है, क्योंकि हम CA पढ़ रहे हैं, हम लोगों को पता है कि एग्जैक्टली सेविंग्स का भी फायदा होता है फ्यूचर में, फ्यूचर में कभी कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए तो वो पैसे काम आने चाहिए। सो दूसरा टॉपिक होता है इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर गुड्स एंड देन इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो मार्केट में क्रिएट होती है ना पूरी इकोनॉमी में, ये 2 तरह के गुड्स के लिए होती है, एक तो कंज्यूमर गुड्स के लिए यानी कंज्यूम कर सकते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट गुड्स के लिए। ठीक है, तो हमारा पूरा इक्वेशन बनता है कि एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स जो कि मैं कंज्यूम करूंगा, डिमांड फॉर द इन्वेस्टमेंट गुड्स जिस मतलब मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करूंगा। सो हो सकता है मैंने कोई फ्लैट खरीद के रख लिया इन्वेस्टमेंट, मैंने स्टॉक्स खरीद के रख लिया, शेयर्स खरीद के रख लिया, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट गुड्स। सो टोटल डिमांड इज नथिंग बट द कंज्यूमर गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स। याद रखना ये जो पार्ट है
इन्वेस्टमेंट गुड्स, आगे जाके हमने इसको सेविंग से कंपेयर किया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करो, एक तरह से सेविंग हो गई। और इसके बाद ये भी नहीं, मतलब ये जो पार्ट है आय वाला, ये दिस इज़ काइंड ऑफ लीकेजेस इन इनकम स्ट्रीम। मतलब जितनी डिमांड हुई अगर उतनी कंज्यूम नहीं हुई तो वो लीकेज वाला पार्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट लीकेज बनता है आगे जाके, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें। हाँ जी सर, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड और इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड हमने देखी है। आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट गुड्स इज इक्वल टू सेविंग होता है। फिलहाल के लिए मान के चलो होता है, आगे जाके हम मैं आपको प्रूव भी करूंगा थोड़े टाइम में। सो हमने एग्रीगेट डिमांड के दो हिस्से किए, कंजम्पशन का एक फंक्शन होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का एक फंक्शन होता है। कंजम्पशन फंक्शन एंड द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजम्पशन कहाँ से होता है? मैं अगर मैंग कोठारी अगर 100 रुपये कमा रहा है तो उस कमाई में से वो कंजम्पशन होता है। यानी कि कमाई अगर मैं वाई लूँ, ठीक है, तो क्या मैं सी इज इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ? सी इज कंजम्पशन, वाई इज इनकम। बट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि सर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, शुड नॉट बी इक्वल टू द 100 रुपये का कंजम्पशन। मैं तो कंज्यूम कम करूंगा ना, यानी 100 रुपये में से, 100 रुपये में से, यानी 100 रुपये का कुछ पार्ट मैं कंज्यूम करूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सी इज इक्वल टू एफ वाई, यानी कि फंक्शन ऑफ वाई, वाई का कुछ हिस्सा कंज्यूम होगा, पूरा नहीं। अच्छा, और अगर आप प्रॉपर लिखना चाहे उसको कंजम्पशन फंक्शन को, तो कंजम्पशन फंक्शन ऐसा आता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। वाई ये ऐसा क्यों आया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो ना। अगर आपकी इनकम जीरो भी हुई तो इसका मतलब ये होता है क्या, इस अगर आपकी इनकम जीरो भी हुई, मान लो ये पहले वाले पार्ट में आपने रख दिया कंजम्पशन इज इक्वल टू एफ जीरो, इसका मतलब आपका कंजम्पशन कुछ भी नहीं होगा। ये गलत है, प्रैक्टिकली सही नहीं है। अगर मेरी कमाई कुछ भी नहीं हो रही है तो दूसरे दिन मेरा पेट भरने के लिए मुझे रोटी चाहिए होगी, ये रोटी खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, और ये पैसा मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरी तो कमाई नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं अपने रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास जाके उधार मांगूंगा, बिना कमाई का ये पैसा आया हुआ है, और ये उधार जो मांगा, बोरोविंग्स जिसको बोलते हैं हम, वो मैं यूज़ करूंगा कंजम्पशन के लिए, मैं खर्चा करूंगा, एग्जैक्टली रोटी खरीदने के लिए, बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए, रहने के लिए। सो बिना इनकम के भी ये जो खर्चा हो रहा है, दैट इज ए, ये जो पार्ट है दैट इज ए वाला पार्ट, ठीक है। और उसके बाद इनकम अगर आप कर रहे हो, इनकम आपकी हो रही है और उसमें से कुछ आप हिस्सा अगर कमा कंज्यूम कर रहे हो, तो दैट इज बी वाई। वाई इज टोटल इनकम, ठीक है, 100 रुपये की इनकम हुई, उसमें से अगर आप 70 रुपये कंज्यूम कर रहे हो तो बी कितना आएगा, 0.70। 0.70 क्या है सर? दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी टू कंज्यूम। इसका मतलब 0.70 आपको पता था कितना प्रतिशत इनकम का आप खर्चा करने वाले हो। बिना इनकम के कितना खर्चा, ए, और इनकम के साथ जो खर्चा हो रहा है, इनकम में से जो खर्चा हो रहा है, दैट इज बी वाई। ओके गुड, हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में दो टॉपिक्स देखेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, याद रखना, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द थिंग्स। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताता है कि इनकम अगर 1 रुपये से बढ़ती है तो कंजम्पशन आपका कितना बढ़ेगा। इनकम अगर 1 रुपये से बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन जो है कितना बढ़ेगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बोलता है कि इनकम का कितना हिस्सा आप कंज्यूम कर ले रहे हो, इनकम का कितना हिस्सा आप कंज्यूम कर ले रहे हो। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ध्यान देना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नथिंग बट, यानी कि बी इज नथिंग बट चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम, जबकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नथिंग बट कंजम्पशन डिवाइडेड बाई इनकम सिंपली। वैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं। अब आपको पता है कि वाई यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये अगर आप ऐसा लेना चाहो तो, क्योंकि मैंने कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लिया इनकम में से, बाकी बचा कुचा क्या है, सेविंग्स, ठीक है। तो अगर मेरा कंजम्पशन ये वाला पार्ट अगर 0.70 आ रहा है, इसका मतलब मेरा सेविंग्स वाला पार्ट ऑटोमेटिकली 0.30 आएगा, यानी बचा हुआ पार्ट मेरा 0.30 आएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव किस कैसे लेते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, या फिर आप उसको 1 माइनस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी कितना हुआ सर, 0.70। इधर में कंजम्पशन अगर 0.70 हुआ तो 1 में से 0.70 माइनस कर दो, 1 यानी कि 100%, 100% में से 70% माइनस कर दोगे, बचा 30% क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। 70% कंजम्पशन है एमपीसी, तो एमपीएस कितना हो गया 30%, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 60% है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो गया 40%, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कंजम्पशन 20% है, तो सेविंग कितनी हो गई 80%, एग्जैक्टली अपोजिट, इसलिए 1 माइनस बी ले रहे हैं। सेम चीज हो गई एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज नथिंग बट
सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, यानी कि या तो फिर आप उसको 1 माइनस APCB लिख सकते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम, तो कंज्यूम, यानी कि अगर 70% कंज्यूम कर रहे हो तो 30% आप सेव कर रहे हो, दैट्स इट. सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर. ये आपको समझ में आया, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, बट इसका मोर अप्रोप्रिएट था कंजम्पशन इज अ फंक्शन, कंजम्पशन इज इक्वल टू A+BY. अब एक एक चीज़ें क्या है, ए इज द कॉन्स्टेंट अमाउंट, यानी बिना इनकम के भी आपका जो खर्चा होगा, बी इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई इज द डिस्पोजेबल इनकम, एंड दिस इज गोइंग टू बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिंग. टीचर आगे देखो, तो अगर आप इनकम ड्रॉ, मतलब अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो उसके, ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ये इनकम बन गई और ये हो गई कंजम्पशन की. तो आपकी जो ड्रॉ होगी ना लाइन, ये है आपकी वाई इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. ये जो पार्ट आ रहा है ना, अगर आप देखोगे इनकम जीरो भी होगी तो कंजम्पशन आपका ऊपर से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि बिना किसी इनकम के भी कुछ ना कुछ तो खर्चा होना है. तो इतना जो पार्ट है ये है ए. अगर मैं ये डायग्राम ऐसे निकालूं तो ये कांस्टेंट पार्ट है, यानी इनकम हो या नहीं हो, ये जो ग्रीन वाला एरिया, इतना तो खर्चा होना ही है हमेशा. लेकिन अब अगर इनकम बढ़ती गई तो आपका खर्चा भी बढ़ता जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा इनकम के साथ जो खर्चा बढ़ रहा है वो है ये वाला पार्ट, याद रखना, ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट, केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन वाई, इसी को हम बी बोलते हैं, ये भी आपने देख लिया. सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम. इनकम फंक्शन क्या होता है, अगर आपकी टोटल इनकम वाई है तो उसका कुछ हिस्सा आप कंज्यूम करोगे और बाकी बचा कुछ हिस्सा एस में चले जाएगा, सेविंग में. तो सेविंग फंक्शन क्या बना, वाई माइनस सी, सिंपल, इनकम माइनस कंजम्पशन इज सेविंग, ठीक है. तो ये आपका पार्ट बन गया है, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, सो दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 माइनस B, यानी 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी 1 माइनस चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम, ऐसा भी आप ले सकते हो. और ये था एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है. अच्छा, अभी हमने क्या किया यहाँ पे, ये है इनकम, ये है कंजम्पशन, 45 डिग्री की लाइन मैंने ड्रॉ की यहाँ पे इनकम वाली, ठीक है, सॉरी, यानी वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब ये मेरा कंजम्पशन प्लस सेविंग वाला पार्ट है. अब क्या होता है ना, ये मेरी इनकम है, ये जो येलो लाइन दिख रही है ना, ये मेरी इनकम है, तो अगर जीरो पॉइंट पे जाओगे तो इनकम जीरो हो गई, आगे आगे बढ़ रहे हो तो इनकम भी बढ़ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब अगर मैं यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन निकालना चाहूँ, कंजम्पशन की लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, तो मेरी लाइन कुछ ऐसी ड्रॉ होगी, यानी इनकम येलो वाली भले ही जीरो पे जा रही है, लेकिन व्हाइट वाली लाइन आपकी ऊपर से शुरू हो रही है, और ये वाला पार्ट जो है इसी को बोलते हैं ए, ठीक है. तो अगर आप देखोगे तो मान लो ये है, ये पॉइंट ले लो. अब ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपकी इनकम सिर्फ इतनी है, इनकम सिर्फ इतनी है, लेकिन खर्चा इतना है, इनकम सिर्फ इतनी है, खर्चा इतना है, इसका मतलब खर्चा ज़्यादा है, यानी कि आप बोरोइंग कर रहे हो, सेविंग तो हो ही नहीं रही है. इनकम अगर 50 रुपये है, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मान लो इनकम 50 रुपये, तो खर्चा तकरीबन 70 रुपये का होगा, राइट. तो ये 20 रुपीज़ जो है ये आप बोरो कर रहे हो, सेविंग की तो, सेविंग का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, जितना है वो तो पूरा का पूरा खर्चा हो जा रहा है. तो याद रखना, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं डिस सेविंग, यानी कि देर इज़ नो सेविंग इन दैट, यानी कि मैं बोरो कर रहा हूँ पैसा यहाँ पे. लेकिन आगे आ जाओ, ये जो पार्ट है, ये जो मैं ई लिख रहा हूँ, ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, यानी कि मेरी जितनी कमाई हो रही है उतना ही मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है. इतनी कमाई, ये 50 रुपये की कमाई, सॉरी, इसको ले लो आप 80 रुपये की कमाई और 80 रुपये का खर्चा, राइट. अब आप यहाँ पे आ जाओ, अब आप ये वाली लाइन देखो, अब ये वाली लाइन में देखोगे तो आपका कंजम्पशन तकरीबन मैं बोलूँ 100 रुपये का होगा, और इनकम आपकी जा रही है 140 रुपये तक, गुड. तो ये जो 40 रुपये एक्स्ट्रा बच रहा है, ये और कुछ नहीं सर, आपकी सेविंग है. तो ये जो ब्लू ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड अ सेविंग्स, गेटिंग इट, गुड. आ जाओ, आगे बढ़ते हैं. सो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, सर्कुलर फ्लो हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम टू सेक्टर मॉडल, ठीक है. ये याद, ये देखो हम क्या देखने वाले हैं इसमें, सर दो सेक्टर मॉडल, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, ये सब छोड़ दो,
हाँ ये देखो, अकॉर्डिंग टू केन्जियन थेरी इनकम डिटर्मिनेशन द इक्विलिब्रियम लेवल जो आता है, मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है ये, हम कब बोलेंगे, जब एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और डिमांड आपने देखी थी कंज्यूमर गुड्स की होती है और इन्वेस्टमेंट गुड्स की होती है, और एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट कंजम्पशन प्लस सेविंग, जितना भी आप कंज्यूम करोगे और सेव करोगे दैट इज द टोटल सप्लाई, ठीक है। और इसके थ्रू अगर आप देखोगे तो आई इज इक्वल टू एस, इन्वेस्टमेंट गुड्स की जितनी भी डिमांड है शुड बी इक्वल टू द सेविंग अमाउंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी डायग्राम दिखेगी, मतलब सॉरी इक्वेशंस दिखेंगे। सो बी क्लियर विद इट, सी सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एस रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो डायग्राम मैंने आपको समझा ही दी, वापस से इसको क्या डिस्कस करें। ये ऐसा है और ये ऐसा है, सो दिस इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। ये आप अमाउंट, अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हो तो ये है डिस सेविंग वाला पार्ट, और ये ग्रीन, अगर आप ये ब्लैक वाला पार्ट देखना चाहो तो दिस इज सेविंग वाला पार्ट, यही मैंने आपको समझाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी तो अच्छा जितना काम का नहीं है, 1 2 3 4 सर हो गए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको ये बताता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 रुपये से बढ़ती है तो इनकम कितने रुपए से बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और अगर ये आता है 3, इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट 1 रुपये से मैंने बढ़ाया तो मेरी इनकम 3 रुपये से बढ़ेगी। आओ देखते हैं, मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करता है कि कितनी गुना, हाउ मेनी टाइम्स द एग्रीगेट इनकम यानी कि वाई इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। फिर से, हाउ मेनी टाइम्स द एग्रीगेट इनकम टाइम्स, ठीक है, दिस इज टाइम्स एग्रीगेट इनकम चेंज इन इनकम इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे सर, फॉर्मूला ये हो गया के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया, इसके बारे में और तो क्या डिस्कस करना ज़्यादा। अच्छा, ये हमने प्रूव किया था अगर आपको याद होगा तो, जैसे बताता हूँ ध्यान दो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ नथिंग बट 1 माइनस बी, या फिर चेंज इन सेविंग्स डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, ऐसा था अगर आपको याद होगा तो। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि चेंज इन सेविंग सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन आई इज इक्वल टू चेंज इन वाई भी लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। और मेरा जो के आ रहा है मल्टीप्लायर इज नथिंग बट चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई, और अगर आप देखोगे तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, एग्जैक्टली अपोजिट है, एक में आई ऊपर है वाई नीचे है, दूसरे में वाई ऊपर है आई नीचे है। तो एक काम करो, ये जो है एमपीएस को इसको रिवर्स कर दो, तो वो कैसा दिखेगा, 1 डिवाइड बाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब आप देखो, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपका मैच कर रहा है इधर वाले पार्ट में, वाई ऊपर है आई नीचे है, वाई ऊपर है आई नीचे है, इसका मतलब ये दोनों हिस्से के इज इक्वल टू 1, अगर मैं लिखूं यहाँ पे के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये रहा। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एज इट एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे लेट से के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, सॉरी सेव होता है, सो 1 डिवाइड बाय 0.70 अगर आप करोगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.70 अगर हम करते तो आंसर आता है 1.43। चलो एक और काम करते हैं, 1 डिवाइड बाय पॉइंट कम कर लेते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग कम करते हैं, 50 कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 2। यानी अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर कम हो रही है तो मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, लोअर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हायर द मल्टीप्लायर, हायर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लोअर द मल्टीप्लायर, ध्यान देना, लोअर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हायर द मल्टीप्लायर, हायर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लोअर द मल्टीप्लायर। सेम चीज उल्टी इसके साथ में हो जाएगी, अगर आप 1 डिवाइड बाय 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लोगे, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, सो हायर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर द मल्टीप्लायर, लोअर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लोअर द मल्टीप्लायर, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या जाती है मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपने मल्टीप्लायर के बारे में सोच लिया समझ लिया कि सर इन्वेस्टमेंट अगर 1 रुपये से बढ़ी तो शायद इनकम 3 रुपये से बढ़ेगी अगर मल्टीप्लायर आपका 3 है तो, ठीक है।
तो 1 रुपए से इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो इकोनॉमी की पूरी इनकम 3 रुपए से बढ़ती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि भैया इन मोदी जो है और नरेंद्र मोदी जी जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं इंडिया में, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। नहीं, अगर वो बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स से कि मल्टीप्लायर 3 है, इसका मतलब इकोनॉमी 3 लाख करोड़ की इनकम जो है, मतलब इकोनॉमी की हमारे देश की जो इनकम है, नेशनल इनकम है, वो 3 लाख करोड़ से बढ़ेगी। 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट 3 लाख करोड़ की इनकम जनरेट करेगी। इसीलिए तो मोदी हमेशा इन्वेस्टमेंट लाने की बातें करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर का मतलब हो गया। लेकिन एक पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट लाते जाओगे लाते जाओगे लाते जाओगे और इनकम आपकी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ना, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया, आप कितना भी लेके आओ कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो अब वो उससे इनकम नहीं बढ़ रही, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा तो इनकम नहीं बढ़ेगी। लोग क्या करेंगे, वो पैसा कहीं और यूज़ करेंगे। जहाँ पे जो पैसा आया और वो इधर यूज़ नहीं हुआ प्रोडक्शन में, इसका मतलब वो कहीं और यूज़ हो रहा है। इसको बोलते हैं लीकेजेस, इनकम स्ट्रीम लीक हो गई। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा ये फ्लो होगा, ध्यान दो, मैं आपको क्या बताता हूँ, कहाँ जगह मिल रही है मुझे। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, एक चीज़ सिंपल सी बात है। ये इन्वेस्टमेंट आया, ये आपकी कंट्री, ये इन्वेस्टमेंट आया, ये इन्वेस्टमेंट आने के बाद अगर ये प्रोडक्शन में जाता है, इंडिया के गुड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब डिमांड है मार्केट में, तो प्रोडक्शन में जाता है तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लो 100 रुपये आया 100 रुपये गया तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। अभी हम क्या बोल रहे थे, अगर 3 मल्टीप्लायर है तो 100 रुपये आएगा इन्वेस्टमेंट और 300 रुपये से आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ऐड होता है ना, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर 100 रुपये आपके पास में आया, 100 आया और उसमें से 50 इधर चला गया और सिर्फ 50 ही प्रोडक्शन में गया, तो 50 × 3 यानी कि 150 से ही आपकी इनकम बढ़ी जो 300 से बढ़ रही थी। तो ये जो है इनकम स्ट्रीम जो है लीक हो गई। किसकी वजह से लीक हो गई, ये वाला जो फ्लो हो रहा है। और ये जो पैसा कहाँ जा रहा है ये हमको देखना है कि जो लीकेज जा रहा है, पॉइंट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार हम कहीं, जैसे पानी चल रहा है, ठीक है, पानी का पाइप आपने घर में लगाया और वो हम बोलते हैं कि यार ये पॉइंट से लीक, कहीं तो पानी लीक हो गया, इसीलिए हमारा पानी इधर नहीं आ रहा, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा पानी नल में नहीं आ रहा, ये हमारा टैप है। अगर इधर पानी आना बंद हो जाए इसका मतलब कहीं और पानी जा रहा है, और वो पानी कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो हमको रीज़न पता करना है। हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे पानी बह रहा है, कहीं और जा रहा है। सो देर आर 6 to 7 रीजन्स बिहाइंड इट। हमने ये चीज़ें देखी थी, एक तो टैक्सेस पे करने में चला जाता है, इनकम हुई मैंने टैक्स पे कर दिया, कंजम्पशन में यूज़ नहीं हुआ, कहीं और चला गया। उसके बाद आइडल कैश, अरे इनकम हुई मेरे पास ही पड़ा हुआ है कैश, तो इनकम में गया ही नहीं। देखो, अगर आपको इनकम हुई, इन्वेस्ट इनकम हुई और वो आपने इधर डाला ही नहीं प्रोडक्शन में, आइडल कैश पड़ा है, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं आपका। सो ये भी एक आपका लीकेज है स्ट्रीम में, ठीक है, ध्यान देना। एग्जिस्टिंग स्टॉक, मैंने क्या किया, जो इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको मैंने एग्जिस्टिंग स्टॉक कंज्यूम करने में ही यूज़ कर लिया। मतलब इस साल का प्रोडक्शन मैंने खरीदा ही नहीं, इस साल का प्रोडक्शन नहीं यूज़ किया मैंने, एग्जिस्टिंग स्टॉक को ही कंज्यूम करने में यूज़ कर लिया। इससे क्या होगा, नया प्रोडक्शन नहीं हुआ, नया प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इस साल की जो नई इनकम है नेशनल इनकम वो नहीं बढ़ी, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो ये कंपनीज की बात है, आइडल कैश की बात बताता हूँ। आइडल कैश ये पर्सन के पास होती है और ये कंपनी के पास होती है, बाकी मतलब सेम ही हुआ। डेट का रिपेमेंट, मेरे पास में पैसा आया, मैंने प्रोडक्शन में नहीं डाला, मैंने कंजम्पशन में नहीं डाला, मैं गुड्स नहीं खरीद रहा हूँ, मैं ना मेरा पुराना उधार जो है वो चुकता कर रहा हूँ ये पैसों से, इसका मतलब कहीं और पैसा जा रहा है। लीकेज है, फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे भी आपका लीकेज होगा। और शेयर, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट अगर मार्केट में है तो क्या होगा, कितना भी पैसा लेके आ जाओ आप प्रोडक्शन करोगे नहीं, आपके पास में बंदे ही नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, 10 के 10 बंदे, अगर 10 बंदे अगर पूरे इंडिया में है काम करने के लिए, 10 के 10 बंदे आपने काम पे लगा रखे, और इन्वेस्टमेंट लेके आ जाओ और इन्वेस्टमेंट लेके आ जाओ, अभी करोगे क्या, इसका बंदा कहाँ है आपके पास वो पैसा को यूज़ करने के लिए। अगर आप मशीन भी लेके आते हो तो मशीन चलाने के लिए 12वां 11वां बंदा तो लगेगा, वो है ही नहीं इकोनॉमी में। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर आप काम कर रहे हो तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इनकम नहीं बढ़ेगी, आ रही बात समझ में। एंड देन शेयर्स एंड बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दे तो कहाँ, इधर पैसा आया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रोडक्शन में तो पैसा गया ही नहीं, दिस इज़ लीकेज। सो ये था लीकेज के बारे में, ख़त्म करते हैं इन सब चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ इंट्रोडक्शन, सर्कुलर फ्लो, एग्रीगेट डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छा, आपने 2 सेक्टर मॉडल तो देख लिया, अब हम बात करेंगे आगे 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल की। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 3 सेक्टर मॉडल। हमने 2 सेक्टर मॉडल देख लिया जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेसेस होते थे, अब हम 3 सेक्टर मॉडल देखेंगे जिसमें हमारा हाउस होल्ड, बिजनेस और गवर्नमेंट सेक्टर भी आएगा। ध्यान रखना
पहले इनकम आपकी सी प्लस आई हुआ करती थी, अब उसमें गवर्नमेंट वाला पार्ट भी आ जाएगा, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड, मतलब बेसिकली कंज्यूमर गुड्स की डिमांड, इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड एंड नाउ द गवर्नमेंट की भी डिमांड होगी। तो ये तीनों की डिमांड फुलफिल करने की, जब आप फुलफिल करने जाओगे तो मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। पहले सिर्फ इतनी ही डिमांड पूरी करनी पड़ती थी, अब गवर्नमेंट की भी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो लेवल है जो इनकम का, जैसे ग्राफ में अगर आपने वो कंजम्पशन की लाइन देखी होगी तो वो लाइन अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। लाइन ऊपर शिफ्ट होने की वजह से इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, सर्कुलर फ्लो मैं आपको बताता हूँ। जैसे टू सेक्टर मॉडल में भी आपने सर्कुलर फ्लो देखा था कि हाउस होल्ड होता है, बिजनेस होता है, इधर सारी सर्विसेज देता है, ये इधर पेमेंट देता है, गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं। ठीक है, सिंपल। बट अब देखो, इसका सर्कुलर फ्लो आपको याद हो जाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दिस इज बिजनेस, दिस इज हाउस होल्ड, दिस इज गवर्नमेंट, ठीक है, और ये फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर मार्केट बोलूँगा, इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट मार्केट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द गुड्स मार्केट। हाउस होल्ड वाले इधर सर्विस देंगे फैक्टर मार्केट में, जो कि बिजनेस वाले सर्विसेज लेंगे, क्योंकि सर्विसेज ली है तो इधर से फैक्टर पेमेंट किया जाएगा। ये आया समझ में? ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द फैक्टर सर्विस, दिस इज गोइंग टू बी द फैक्टर पेमेंट। ओके, आगे इसके बाद क्या होगा कि हाउस होल्ड वालों को पैसा मिला है तो हाउस होल्ड वाले उस पैसे को खर्चा करेंगे, कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, वो पैसा बिजनेस वालों के पास में आएगा। बिजनेस वालों के पास पैसा आएगा तो बिजनेस वाले गुड्स देंगे किनको? हाउस होल्ड वालों को। तो ये लाइनें ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे गुड्स और यहाँ पे कंजम्पशन आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, बट सिर्फ इतना ही नहीं, गुड्स मार्केट से बिजनेस वाले और गवर्नमेंट वाले भी गुड्स उठाते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो बिजनेस वाले जो उठाते हैं हम उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उठा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट भी यहाँ से गुड्स उठाती है। ठीक है, अब क्या होगा ना, हाउस होल्ड वालों को जितने भी फैक्टर की इनकम हुई है उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने कंजम्पशन में खर्चा किया, लेकिन उसके पहले इनको इधर टैक्स देना पड़ता है। इनफैक्ट बिजनेस वालों को भी इधर टैक्स देना पड़ता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द टैक्स वाला पार्ट। उसके बाद जो हाउस होल्ड वालों के पास पैसा बचता है वो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और यहाँ इन्वेस्टमेंट मार्केट में जितना भी पैसा आया इस पैसे को दो लोग यूज़ करते हैं, एक तो गवर्नमेंट बोरो करेगा और एक बिजनेस वाले बोरो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोरोविंग। अब गवर्नमेंट के पास तीन जगह से पैसा आ रहा है, एक तो बोरो करके आ रहा है, दूसरा दोनों तरफ से टैक्सेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक तो गुड्स खरीदते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हाउस होल्ड वालों को ट्रांसफ़र पेमेंट देती है, और बिजनेस वालों को सब्सिडी। तो यहाँ आएगा ट्रांसफ़र पेमेंट, यहाँ आएगा सब्सिडी। सो इस तरह से आपका ये थ्री सेक्टर मॉडल का सर्कुलर फ्लो ख़त्म होता है। यहाँ पे 8 लाइनें आएगी, यहाँ पे 7 आएगी और यहाँ पे 6 आएगी। क्या क्रॉस चेक आप कर सकते हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द सर्कुलर फ्लो। मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट की डायग्राम कुछ इस तरह से है, आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया था हमारा पार्ट इसका थ्री सेक्टर मॉडल का। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले टू सेक्टर मॉडल में आपको बता देता हूँ। ये टू सेक्टर मॉडल में 45 डिग्री वाली लाइन है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, और अगर मैं कंजम्पशन वाली लाइन निकालूँ तो कंजम्पशन वाली लाइन कुछ इस तरह से बन रही थी। ठीक है, सी इज इक्वल टू, अब बेसिकली कंजम्पशन हो गया, तो ये सिंपल कंजम्पशन ले लो। ठीक है, तो ये मेरी कंजम्पशन वाली लाइन बन रही थी, सी प्लस आई, याद है, सी प्लस आई इज नॉर्मल। पहले सिर्फ कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड। अब गवर्नमेंट वाला भी पार्ट आने की वजह से क्या हो गया, ये लाइन अब आपकी ऐसी हो जाएगी। सो सी प्लस आई प्लस जी। प्रॉब्लम क्या है पता है, ये था ए ऑटोनोमस कंजम्पशन वाला पार्ट, अब है ये जी, अगेन दिस इज ऑटोनोमस, क्योंकि लोगों की इनकम पे गवर्नमेंट का खर्चा डिपेंड नहीं करता। सो दैट्स वाई ये पैरेलल दिख रही है आपको। प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये थी कि पहले आपका जो इक्विलिब्रियम इनकम था वो था ये वाला पार्ट, लेकिन गवर्नमेंट वाला पार्ट इंक्लूड होने की वजह से, गवर्नमेंट फैक्टर इंक्लूड होने की वजह से आपका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आगे शिफ्ट हो गया। इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या है कि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इनकम का वो जो लेवल है नेशनल इनकम वो बढ़ेगा। सिंपल, ओके। सो दीज आर द थिंग। ये पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। इधर वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो इशू क्या होता है, अगर आप ये वाला पार्ट देखो, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, तो अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे ना,
तो इधर में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से बिजनेस वाले क्या करेंगे, हायरिंग शुरू कर देंगे हर जगह से। हायरिंग शुरू की, प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिया, तो आउटपुट बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। अब क्या हो रहा है कि भैया डिमांड फुलफिल हो रही है। डिमांड तो उतनी है अभी इधर में, 100 की डिमांड है, लेकिन सप्लाई में बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। कहीं तो लेवल आएगा कि मैंने 100 प्रोड्यूस किया और 100 सप्लाई किया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन ये तो एग्जैक्ट पॉइंट किसी भी बिजनेस वालों को पता नहीं चलेगा, इसलिए वो सप्लाई बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट अब ऐसा आएगा, आप ये वाला एरिया ले लो, ये वाला एरिया ऐसा एरिया है, ग्रीन वाला, जहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, लोगों को पता चलने, बिजनेस वालों को पता चलने लग गया, यार हमारी तरफ से प्रोडक्शन 100 हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो बिक रहा है वो सिर्फ 70 ही बिक रहा है, यानी कि 30 एक्स्ट्रा स्टॉक में जमा होते जा रहा है। फिर से मेरा 100 प्रोडक्शन किया और 70 ही बिका, अब स्टॉक में 30 और 30 60 हो गया, तो स्टॉक बढ़ते जा रहा है। जब नज़र में आ जाएगा कि स्टॉक बढ़ते जा रहे, तो बिजनेस वाले क्या करेंगे, प्रोडक्शन को धीमा कर देंगे, धीरे कर देंगे। तो अब क्या होगा पता है, 70 की डिमांड फुलफिल होगी, लेकिन इधर से प्रोडक्शन जो है ये आपका तकरीबन तकरीबन मान लो सिर्फ 60 का होगा, तो 60 प्रोडक्शन हुआ, 70 की डिमांड, यानी 10 स्टॉक में से गया, तो अब स्टॉक थोड़ा धीरे हो गया, स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे आपने प्रोडक्शन कम की, बिजनेस वालों ने प्रोडक्शन कम कर दिया क्योंकि पता चल गया कि सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्शन वालों ने जैसे ही बिजनेस सॉरी बिजनेस वालों ने जैसे प्रोडक्शन कम किया, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जा रही है यहाँ से, हाथ से, क्योंकि कुछ ना कुछ फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेगी, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे उनको निकालना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ अननेसेसरी कॉस्टिंग। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 वापस इकॉनमी, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, तो नेशनल इनकम जो है वापस 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 नीचे आएगी, और ये पॉइंट पे आके रुक जाएगी। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रक्चर। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो वो इधर पुश होने लग जाती है, इधर पुश होने लग जाती है, फिर पता चलता है अरे सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो वापस नीचे आ जाते हैं। आ रही बात आपके समझ में इतनी सी? तो दिस इज गोइंग टू बी द थिंग। सो ये सिर्फ कंजम्पशन वाला पार्ट है, ये कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, और ये कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट वाला पार्ट है। तो इसमें तीन ऑटोनोमस है, ए आई और जी। इन्वेस्टमेंट अपने देखा था अजम्पशन वाले पार्ट में कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट जो होता है ये ऑटोनोमस है, यानी इनकम पे डिपेंड नहीं करता, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकम पे डिपेंड नहीं करता। सो दीज आर द थिंग, 1 2 3 4 5 6 खत्म। अब फोर सेक्टर मॉडल की बात करते हैं। फोर सेक्टर मॉडल में क्या है, आपने हाउस होल्ड ले लिया, आपने बिजनेस ले लिया, आपने गवर्नमेंट ले लिया। अब बात करते हैं फॉरेन सेक्टर की, मतलब अब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी इंक्लूड करेंगे। अभी तक अगर आपने इनकम का फंक्शन देखा होगा तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई था सबसे पहले, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी आया थ्री सेक्टर मॉडल में। अब आएगा आपका एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या है, फॉरेन सेक्टर की जब आप बात करते हो तो फॉरेन से दो चीज़ें रिलेट होती है, कुछ तो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ तो माल हम इंपोर्ट करते हैं। सो एक्सपोर्ट किया तो इट्स गुड, प्रोडक्शन हमारे हमारे कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स बाहर भेजने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हमने 3 किलो शक्कर पहले बनाई थी, 1 किलो ले ली कंजम्पशन वालों ने, 1 किलो ले ली इन्वेस्टमेंट वालों ने, 1 किलो ले ली गवर्नमेंट वालों ने। अब एक्सपोर्ट भी करना है तो अलग से 1 किलो और प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, इसलिए हम प्लस एक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब घरगुती चीज़ें, घरेलू या देसी चीज़ें हम कम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे प्रोडक्शन घरेलू चीज़ों के जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, वो डिमांड कम हो गया तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसीलिए नेशनल इनकम भी कम होगी, इसलिए हम उसको माइनस एम लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। यही आपने फर्स्ट वाले यूनिट में देखा होगा, जब हमने लास्ट वाला मैं चैप्टर बोल सकता हूँ अपन ने देखा। तो ये है अपना प्रॉपर फंक्शन। अब हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, या तो फिर जो अपन ने यहाँ देखा ना थ्री सेक्टर वाला, इसी में मैं दो तीन चीज़ें इंक्लूड कर देता हूँ अगर आप इजाज़त दें। तो ये है मेरा फॉरेन सेक्टर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बाकी सब चीज़ें सेम है, फॉरेन सेक्टर आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब क्या होता है, फॉरेन सेक्टर में एक तो आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो या तो गुड्स इम्पोर्ट करोगे, ठीक है। अगर गुड्स एक्सपोर्ट किए तो बिजनेस वालों ने प्रोड्यूस करके गुड्स गुड्स मार्केट में दिए, वहाँ से एक्सपोर्ट हुए। अगर इंपोर्ट किए तो इंपोर्ट से गुड्स आए, और इधर से ये इंपोर्टेड गुड्स कौन यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस वाले, गवर्नमेंट वाले और हाउस होल्ड, ये तीनों लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर सिर्फ सर्विसेज की बात आती है तो ये एक लाइन एक्स्ट्रा ज़रूर ड्रॉ करना, दिस इज़ नेट कैपिटल इनफ्लो, और कुछ भी नहीं करना आपको, बस इतना सा डायग्राम। दिस इज़ गोइंग टू फिनिश योर वर्क। सो दिस इज़ इट। तो फोर सेक्टर मॉडल में मैंने आपको डायग्राम भी बता दी, ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया हुआ है। थ्री सेक्टर मॉडल में अपन ने अगर वो इतनी सी चीज़ें ऐड की जो मैंने आपको ग्रीन वाले पार्ट में बताया, तो भी आपकी डायग्राम सारी बराबर रहेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो भी डायग्राम दी है वैसे की वैसी एग्जैक्ट होती है। आप गूगल करके देखो फोर सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आपको अलग अलग तरह के डायग्राम्स दिखेगी, यानी 10 अलग अलग तरह के डायग्राम्स उसमें आपको दिखेगी। तो कोई रिजिडिटी नहीं है इस केस में, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जब फॉरेन सेक्टर की बात आती है तो
डायग्राम कैसे बनेगा, मतलब सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मैंने ये निकाल लिया नॉर्मल सा। अब सबसे पहले मैं निकालता हूँ कंजम्पशन वाला फंक्शन। ये हो गया कंजम्पशन, ये हो गया आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ये हो गया आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। अब दिक्कत कहाँ आएगी पता है आपको, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है, अगर आपका इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। सॉरी, ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, यानी ये नीचे आनी चाहिए ना, ऐसा नीचे आएगी। इम्पोर्ट ज़्यादा होने की वजह से इंडियन गुड्स की डिमांड कम हुई है, तो प्रोडक्शन कम होएगा, तो नेशनल इनकम गिरनी चाहिए, गिरनी चाहिए, बढ़नी नहीं। तो अगर आप देखोगे, तो जब थ्री सेक्टर मॉडल वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट देखोगे, तो थ्री सेक्टर मॉडल वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये पिंक वाली लाइन ई, लेकिन फोर सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया आपका ये E1, यानी कम हुआ है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है आपका आगे बढ़ेगा। सो दिस इज़ द एंटायर थिंग। ये देखो, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक जो लाइन जा रही है ना, ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये नीचे आ गई। पहले ये पॉइंट था, अब ये पॉइंट हो गया, ठीक है। सो दीज आर द सिक्स थिंग्स अबाउट द केन्जियन थेरी। वी हैव समराइज एवरी थिंग इन दिस। क्वेश्चन एंड आंसर जरूर करिएगा, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के भी, अपने मटेरियल के भी, एंड यू विल बी गुड एट दिस चैप्टर। बाय बाय।